अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चार सीटों पर हुए उपचुनाव के मतदान के बाद आज उनके नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा तोहफा मिलता दिख रहा है। अब तक हुई मतगणना और उसके रुझानों की माने तो बीजेपी और कांग्रेस ने विरोधियों को कड़ी टक्कर दी है और जीत की तरफ आगे दोनों पार्टियां बढ़ रही हैं। अब तक की आई मतगणना के रुझानों से बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने वाले अन्य विपक्षी दलों के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। जिन चारों सीटों की मतगणना के नतीजे आ रहे हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं यूपी की हमीरपुर विधानसभा सीट की, जहां पर उपचुनाव हुआ। हमीरपुर विधानसभा सीट सबसे अहम सीट मानी जा रही थी। यूपी में 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और हमीरपुर में सबसे पहले मतदान करवाया गया और मतदान के बाद जो मतगणना के रुझान आ रहे हैं उससे बीजेपी खेमे में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अगर पार्टियों की बढ़त की बात की जाए तो राउंड दर राउंड बीजेपी और सपा आगे पीछे हो रहे हैं। कभी सपा आगे आती है तो कभी बीजेपी, और कांग्रेस बीएसपी का तो नाम रेस में भी नहीं आ पा रहा। 12 राउंड की काउंटिंग के बाद अब बीजेपी ने सपा से आगे बढ़त हासिल कर ली है और बीजेपी की जीत के संकेत मिल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा सीट की, जहां कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। चुनावी रुझानों की माने तो कांग्रेस आगे है और ये बढ़त जीत में तब्दील होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा बीजेपी दंतेवाड़ा में दूसरे नंबर पर है। तीसरी सीट केरला की पाला सीट है, जहां से कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कांग्रेस के सामने सभी धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। पाला में कांग्रेस एक तरफा जीत दर्ज करने वाली है। इसके अलावा चौथे नंबर पर त्रिपुरा की बालाघाट सीट है, जहां बीजेपी लीड में है और अब तक हुई काउंटिंग के मुताबिक बालाघाट से बीजेपी को एक तरफा जीत मिलती दिखाई दे रही है। चार सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों में दो सीटों पर बीजेपी और दो कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। बाकी दलों के हाथ में सिर्फ हार आई है। यूपी के हमीरपुर सीट सबसे अहम मानी जा रही थी, इसे उपचुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, क्योंकि यूपी में 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और पहली ही सीट का जो चुनाव नतीजा आया है उस पर बीजेपी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी की जीत से कांग्रेस बीएसपी और समाजवादी पार्टी हलकान दिख रही हैं और इन पार्टियों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। सभी के समीकरण, सभी की रणनीति फेल होती दिखाई दे रही है। पाला, दंतेवाड़ा और बालाघाट में बीजेपी और कांग्रेस आगे आगे चल रही हैं। ऐसे में जब फाइनल नतीजे आएंगे तो हम आपको उनसे भी जल्द ही रूबरू करवाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।